वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आई शेडो ब्रशेज़ का एक पूरा सेट जो कि आपके लिए अफोर्डेबल रहने वाला है, 500 के अंडर है एंड बहुत ही बेस्ट है एंड बेस्ट क्वालिटी का है। तो जिनकी मैं बात कर रही हूं वो हैं ये वाले आई शेडो ब्रशेज़। ये आते हैं 12 पीसेस एंड ये आते हैं अराउंड 450 रुपीज़ के। ये इसकी MRP है, अमेज़ॉन पे आपको ये इजीली मिल जाएगा एंड अगर आप इनको लेना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। एंड चलिए अभी मैं आपको डिटेल में इन सभी ब्रशेस का यूज़ बताती हूँ एंड सभी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा ब्रश ये वाला है, एक काफ़ी फ्लफी ब्रश है, ये देख सकते हो आप। मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, थोड़ा सा गंदा हो रहा है। सारे ब्रशेज अभी मैंने यूज़ करके ये वाला लुक क्रिएट किया है, दो चार ब्रशेज। तो देख सकते हो आप किस तरीके का आई शेडो लुक आया है एंड सबसे मतलब आप कोई ट्रांजिशन शेड लगाना है तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, बहुत ही बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद एकदम छोटा सा ब्रश आता है, यहाँ पर आपको अंडर आई पे कोई कलर जो है डिपॉजिट करना है, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपका। तो ये इस तरीके कुछ पेंसिल ब्रश है एंड सभी के ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ही यूज़फुल। एंड इसके बाद ये भी फट थोड़ा सा उससे कम मतलब पतला टाइप है ना, तो आप इसको देख सकते हो करीब से कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया था, इधर से थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा ब्लेंड करने के लिए इसको यूज़ किया था। ब्लेंडिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है, अगर आपको दो आई शेडोज़ को ब्लेंड करना है, मर्ज करना है एक दूसरे के साथ, तो बहुत बेस्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट एंगल ब्रश जो कि आप इजीली आईब्रो फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, मैंने इसको ही यूज़ किया है आज एंड काफ़ी अच्छा रहेगा एंड काफ़ी मतलब अच्छे ब्रिसल्स हैं इसके, बहुत ही बेस्ट है। मतलब लो क्वालिटी वाला काम तो है ही नहीं। ये आप कह सकते हो आईलाइनर ब्रश है, बिल्कुल छोटा सा, आप कोई भी आईलाइनर लगा सकते हो या आईलाइनर लुक क्रिएट कर सकते हो, छोटा छोटा करके ऐसा लगा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा आपको। नेक्स्ट ब्रश जो है ये आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपका ग्लिटर आई शेडो है उसको डिपॉजिट इधर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो या फिर इधर छोटा सा इधर ऐसा ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, आई शेड अपना कंसीलर अपना कंसीलर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट रहेगा उसके लिए। ये कुछ इस टाइप का है, बहुत फ्लैट ब्रश है। ओके, नेक्स्ट ये थोड़ा बड़े वाले ब्रश से थोड़ा सा छोटा, काफ़ी छोटा ब्रश है जो आप कम ब्लेंडिंग मतलब आपको ज़्यादा कलर डिपॉजिट नहीं करना उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप यू कैन सी। नेक्स्ट ब्रश जो अभी छोटा वाला दिखाया था उससे थोड़ा ये बड़ा है, अगेन आप इसको यहाँ पर ऐसा कुछ वी टाइप क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। एंड काफ़ी ब्रशेस में सेम से हैं बट ठीक है, सबका अच्छा अच्छा यूज़ आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको ये जो ब्रश मिलता है ये थोड़ा एंगल टाइप है, आप इधर से इस तरीके से इसको इधर से ब्लेंड कर सकते हो, बहुत बेस्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो ब्रश है बहुत ही फ्लफी ब्रश है, बड़ा ब्रश है जिससे कि आप अगेन ट्रांजिशन शेड लगा सकते हो या फिर अपने पाउडर यहाँ पर अप्लाई करना है आप कर सकते हो, हाइलाइटर लगाना है वो अप्लाई कर सकते हो इधर से भी ऐसे कैसे भी, ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट ये बहुत ही फ्लैट ब्रश है एंड स्टिफ़ है, ठीक है, तो अगर आपने जैसे मैंने तो इसको यूज़ किया था अभी जब मैंने लूज़ फॉइल पिगमेंट अभी लगाया था यहाँ पर उसको अप्लाई करने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया था। एंड इसको आप कंसीलर ब्लेंड करने के लिए भी, कंसीलर अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड इसके काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूजेस हो सकते हैं, सो दिस इज़ अ बेस्ट बाय। ओके, एंड ये लास्ट ब्रश है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बीच का ब्रश है, आप इसको कोई भी बीच का शेड मतलब यहाँ पर आप कोई लुक क्रिएट करते हो या कोई शेड लगाते हो तो उसको ब्लेंड करने के लिए आपके लिए बेनिफिट मतलब बीच में कोई शेड लगाते हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब इधर या ब्लेंडिंग करने के लिए, आई शेडो ब्लेंडिंग करने के लिए आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो एक क्विक रिव्यू मैंने इनके बारे में दे दिया, सबके यूजेस थोड़े थोड़े बता दिए हैं मैंने,
आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप ये उनको यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से बेनिफिशियल रह सकते हैं ये। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हमारी फैमिली भी बड़ी हो, एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा सो दैट कि और लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे। एंड अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है, आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो उसके बारे में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।